गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं काले चने यानी ब्लैक चिकपीज की ये बहुत ही बढ़िया सी सब्जी। बनाइए इसे किसी भी नॉर्मल डे या फिर अपने गेस्ट मेन्यू में भी ऐड कर सकते हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आरुज लाइफस्टाइल। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, हमने ले लिए हैं यहाँ पे ये काले चने। इन्हें मैंने 7-8 घंटों के लिए ओवरनाइट सोक किया था और बॉईल कर लिया मैंने इन्हें। खाली हल्दी और नमक डाल के मैंने इन्हें बॉईल किया है। करीब करीब मुझे इसे बॉईल करने में लगे हैं 30 से 35 मिनट। तो इसका पानी मैंने अलग निकाल लिया है और काले चनों को निकाल लिया है अलग। तो इन काले चनों को गाइस हमें हल्का हल्का मैश करना है। ये मैंने सारे काले चने ऐड नहीं किए हैं, सारे हाफ क्वांटिटी ऑफ काला चना मैंने यहाँ पर लिया है और इसे इस तरह से हम लोग क्रश कर लेंगे। तो इससे क्या होता है गाइस कि ग्रेवी को बहुत बढ़िया बेस मिलता है अगर इस तरह से क्रश करते हो। तो बस ये जो मैं जिस तरह से क्रश कर रही हूँ, इस तरह से आपको इन्हें फोल्ड लेना है। तो सारे के सारे काले चनों को हमने यहाँ पे एक बार क्रश कर लिया है और इन्हें हम लोग एक साइड रख लेते हैं और चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में गाइस मैंने यहाँ पे ले लिया एक बॉइल्ड आलू। आलू ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद हो काले चना में तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। तो इन्हें मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है स्क्वायर पीसेस में। तो चलिए जल्दी से जल्दी अपना तड़का स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने ले ली एक नॉन स्टिक कढ़ाई और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सरसों का तेल। तो सरसों का तेल जैसे ही हीट हुआ, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए कुछ खड़े मसाले, जिसमें सबसे पहले हैं 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची ऐड की है, 3 लौंग मैंने यहाँ पर लिए हैं। इन्हें हल्का सा सौते करेंगे तेल में जब तक ये अपना अरोमा तेल में नहीं छोड़ते हैं। और फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चम्मच जीरा। तो जीरा को हल्का सा चटकने देते हैं और फिर यहाँ पे गाइस मैं ऐड कर रही हूँ इसमें फाइनली चॉप्ड अनियंस। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं। अगर आप लोगों को चॉप करके ऐड नहीं करना है तो आप लोग यहाँ पर प्याज की प्योरी भी बना सकते हो और उसे भी ऐड कर सकते हो। तो हल्का सा मैंने इन्हें फ्राई किया और फिर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं ग्रीन चिली। 1 ग्रीन चिली को मैंने ऐसे कट करके ऐड किया है, ये काफ़ी तीखी है तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सिर्फ 1 ग्रीन चिली। अगर आप लोगों को तीखा पसंद हो तो ग्रीन चिली की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। तो इसे हल्का सा हम लोग भून लेंगे अभी प्याज को बढ़िया सुनहरा कलर आने तक। तो जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा चेंज हुआ, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1 चम्मच बड़ा चम्मच है और दरदरा पिसा हुआ मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट इस्तेमाल किया है। बस गाइस, इसे हमें एक बार बढ़िया तरीके से भून लेना है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ी देर बाद देख सकते हो प्याज हमारे बढ़िया भुन चुके हैं। तो इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्का सा हल्दी का पाउडर और साथ ही मैं कश्मीरी रेड चिली का पाउडर। तो इसे मिक्स कर लेंगे अपने मसाले के साथ में और हमें इन्हें बहुत देर नहीं चलाना है, करीब करीब 30 से 40 सेकेंड तक आप इस मसाले को एक बार भून लीजिए। तो गाइस, आफ्टर 30-40 सेकेंड मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है इसमें टोमेटो। 1 बड़े साइज़ का टोमेटो है जिसका मैं पल्प इस्तेमाल कर रही हूँ। छिलका मैंने यहाँ पे रिमूव कर लिया है। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं पसंद तो आप इसमें रफली चॉप करके भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज टोमेटो प्यूरी भी ले सकते हो। तो बस इसे एक बार भून लेंगे बढ़िया तरीके से, चला लीजिए एक बार। तो 1 मिनट पकाने के बाद गाइज यहाँ पे टमाटर में मैं ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले मैंने नमक डाला है स्वादानुसार, साथ ही मैं 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं धनिया का पाउडर और साथ ही मैं ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे पानी। तो ये पानी है काले चने का ही पानी है जिसे हमने अलग निकाल के रखा था। तो ये 4 लेडल भर के मैंने यहाँ पे पानी डाला है। पानी में इसलिए डालती हूँ हर एक ग्रेवी में ताकि हमारे टमाटर और मसालों को कुक करने के लिए समय मिले, क्योंकि अगर हम उन्हें ड्राई इस तरह से भूनते हैं तो मसाला चिपकने लगता है और जल जाता है, लेकिन पानी डालने से मसाले को समय मिलता है टमाटर को ताकि वो बढ़िया तरीके से कुक हो जाए। क्योंकि कोई भी ग्रेवी हो गाइस, अगर उसमें टमाटर का कच्चा स्मेल रह जाता है तो वो बहुत ख़राब लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसे कवर कर लिया एक लिड से और हल्का सा इस पर एक बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पे गाइस थोड़ी देर बाद इसमें एक हल्का सा बॉयल आ गया है और काफ़ी अच्छी लग रही है स्टेज पे हमारी ग्रेवी। तो यहाँ पे गाइस हम इसमें थोड़े से इसमें ऐड करने वाले हैं अमचूर का पाउडर। 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ अमचूर पाउडर डाला है। अमचूर पाउडर को मैंने पहले स्पाइसेस के साथ में ऐड नहीं किया, क्योंकि अमचूर जो होता है वो टमाटर की जो कुकिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करता है। तो इसलिए हमने अमचूर पाउडर को हल्का सा बाद में डाला है और यहाँ पे ग्रेवी भी आप लोग देख सकते हो हल्का थिक होना शुरू हो चुकी है।
तो साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी। तो ये रोस्टेड कसूरी मेथी है, इसे भी हम लोगों ने ऐड कर दिया। और अभी हमें इसे फिर से कवर कर लेना है गाइस, और अब हमें इसे कुक करना है जब तक बढ़िया तरीके से हमारी ये जो ग्रेवी है वो पक नहीं जाती है। तो कवर कर लीजिए यहाँ इसे एक लिड से, और थोड़ी देर के लिए अगेन इसे कुक कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस, थोड़ी देर बाद आप लोग ग्रेवी का कलर भी देख लीजिए और साइड से हमारा हल्का हल्का ऑयल भी रिलीज़ हो रहा है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू, जो हमने बॉयल पोटैटो कट करके रखा था उसे हम लोग ऐड कर लेंगे। और इसे करीब करीब 1 से 2 मिनट के लिए हम इस मसाले के साथ में भून लेंगे, ताकि जो भी मसालों का फ्लेवर है वो आलुओं के अंदर तक एब्सॉर्ब हो जाए। तो 1-2 मिनट के लिए इसे भी हम लोग पका लेंगे और कवर कर लेंगे यहाँ इसे एक लिड से। तो बस इसे कुक कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1-2 मिनट बाद हमारा मसाला बढ़िया तरीके से भुन चुका है, आलूओं में भी बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है सारा मसाला। तो बस इस स्टेज पे हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं हमारे काले चने, जो भी हमने बॉईल करके रखे हैं। तो यहाँ पे मैं साबुत वाला काला चना पहले ऐड कर रही हूँ, जो हमने क्रश करके किए थे उसे हम बाद में ऐड करेंगे। तो पहले हमने सारे के सारे हमारे साबुत काले चने ऐड कर लिए, इसे एक बार हल्के से हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बाकी के ये जो हमने क्रश करके रखे थे काले चने, ये भी हम ऐड कर देंगे हमारे कढ़ाई में। तो सारे काले चने को हमने कर लिया है कढ़ाई में ऐड, और इसे बढ़िया तरीके से एक बार मिक्स कर लीजिए। तो मिक्स करने के बाद गाइज़ यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच भर के गर्म मसाला। गर्म मसाला बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, कोई भी दाल हो सब्ज़ी हो, तो उसे आप लोग हमेशा इस तरह से एंड में ही डालिए। तो इसे एक बार चला लीजिए, कवर कर लीजिए एक लिड से और हल्का सा बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, हल्का सा बॉयल आ गया है हमारी ग्रेवी में, और तेल को आप लोग पूरा ऊपर तैरता हुआ देख पा रहे हो। तो हमें ग्रेवी को कुक करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं चना मसाला। तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच भर के चना मसाला ऐड किया है। चना मसाला बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो यहाँ पे गाइस बस इसे मिक्स कर लेंगे। अभी हमें इस ग्रेवी को कर लेना है हल्का सा और बॉयल। ये जो झाग देख सकते हो गाइस ऊपर, इसको हमें कम्प्लीटली, जब तक ये पूरा वैनिश ना हो जाए तब तक हमें इस ग्रेवी को कुक करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे कवर कर लिया है लिड से। साइड बाय साइड में इसका फाइनल तड़का रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने तड़का पैन में 1 चम्मच ले लिया है घी, उसे मेल्ट कर लिया, और इसमें ऐड कर रही हूँ सरसों के दाने। सरसों के दाने हल्के से चिटकने शुरू हुए तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इसमें करी पत्ता, और ये तड़का हम लोग ऐड कर देंगे हमारे काले चने पे। ये तड़का बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगता है। ये जो काले चने की जो हम भी सब्ज़ी बनाते हैं, इसमें ये तड़का बहुत बढ़िया लगता है गाइज़। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो झाग जो ऊपर बन रही थी ऑयल की, वो भी काफ़ी हद तक वैनिश हो चुकी है। तो बस ये हमारे सारे जो भी स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपको इसे कवर कर लेना है एक लिड से, और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक इसका बढ़िया सी ग्रेवी बनके ये रेडी नहीं हो जाती, और सारी की सारी जो भी झाग है वो वैनिश नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे सॉल्ट भी टेस्ट कर लीजिएगा। तो लीजिए गाइस, रेडी है हमारे काले चने की सब्ज़ी। बहुत बढ़िया दिख रही है, बहुत बढ़िया रेडी हुई है। तो इसे आप लोग इंजॉय कीजिए गाइस, ट्राई आउट कीजिए ये रेसिपी को, बहुत बढ़िया बनती है। इंजॉय कीजिए विद रोटी, राइस, परांठा, जिससे भी पसंद हो, और अपने गेस्ट मेन्यू में भी इसे ऐड कर सकते हो। तो अगर रेसिपी पसंद आई है गाइस तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।